Why का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्यों, ठीक है? जिसे मैंने कहा तुम क्यों नहीं आए, या फिर तुम लेट क्यों आए, तो क्यों का मतलब होता है why. और जैसे हमने how पढ़ा था, what पढ़ा था, at what time पढ़ा था, वैसे हम why को भी पढ़ेंगे. अब देखो why का मतलब हमने कहा क्या होता है, why मतलब क्यों. और जहाँ पे हमें बोलना है कि ऐसे क्यों किया, जैसे तुमने क्यों तुम क्यों क्यों नहीं किया, तो वहाँ पे क्या आएगा, why. अब हमने कहा जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड. जैसे मैंने कहा क्यों, तो क्यों के लिए आएगा why. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है why. क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट सिंपल की, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू डस, क्या लिखेंगे. उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कहूंगी क्यों, तो क्यों के लिए आएगा इंग्लिश में वाई. अब देखो मैंने कहा तुम क्यों नहीं जाते हो, या तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो ये डू डस क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब. तो जो भी टेंस होगा उसके वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. अभी हमारे यहाँ पे टेंस क्या है, हमारा जो टेंस है वो क्या है, डू डस. तो डू डस प्रेजेंट सिंपल है, राइट. तो यहाँ पे मैंने डू डस लगा दिया क्योंकि मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रही हूँ. उसके बाद क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट. और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, स्टैंडर्ड. वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा. अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा तुम क्यों आते हो, राइट, या तुम लेट क्यों आते हो, तुम जल्दी क्यों उठते हो. तो सबसे पहले मैं क्यों के लिए क्या बोलूंगी, वाई. उठते हो ये प्रेजेंट सिंपल की बात है, तो यहाँ पे क्या आएगी, हमने कहा डू डस आपकी हेल्पिंग वर्ब, डू डस लगेगा, ठीक है. तो वाई, इसके बाद मैंने कहा क्यों उठते हो, यू मतलब तुम, यू प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा, सिंगुलर की प्लूरल. जब हमने कहा कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आएगा डू, तो आएगा व्हाई डू यू टेल अ लाई, मतलब क्या है, तुम झूठ क्यों बोलते हो. क्लियर हो गया, जैसे मम्मी बोलते ना तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो आएगा व्हाई डू यू टेल अ लाई. मैंने कहा व्हाई डज योर सिस्टर वेक अप अर्ली, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बहन जल्दी क्यों उठती है, ठीक है. तो मैंने क्या कहा, Why does your sister wake up early? ठीक है, तो यहाँ पे wake up की जगह आप क्या भी use कर सकते हैं, walk up क्यों आएगा, get up आएगा ना, walk तो second form हो जाएगा, ठीक है. Present simple में second form कहाँ से आ गई. देखो यहाँ पे मैंने कहा your sister, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, does. तो why does your sister wake up early? वही मैंने कहा तुम जल्दी क्यों उठते हो, तो मैं क्या बोलती, Why do you wake up early? ठीक है. अच्छा कैसे कहेंगे, तुम late में क्यों आते हो, Why do you come late? अब यहाँ पे मैंने कहा Why do you live alone? इसका मतलब क्या है, तुम अकेले क्यों रहते हो, तो क्या आएगा, Why do you live alone? ठीक है. अच्छा वो वही मुझे बोलने की, भाई तुम्हारी बहन अकेले क्यों रहती है, तो क्या आएगा, Why does your sister live alone? ठीक है, ये लीव नहीं, ये लिव है, ठीक है, लिव रहना. Why does she scold you? मैंने कहा भाई वो तुम्हें क्यों डांटती है, ठीक है. तो वह मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, शी. हाँ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज. अगर किसी लड़की की बात हो रही तो यहाँ पे आएगा शी, तो आएगा व्हाई डज शी स्कोल्ड यू. वही मुझे बोले तुम मुझे क्यों पीटते हो, तो मैं क्या कहती, मैंने कहा देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, तुम मुझे क्यों पीटते, पीटता कौन है, तुम. तो व्हाई, अब हमने कहा कौन पीटता है, यू. यू आपका सब्जेक्ट है, यू प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, तो आएगा व्हाई डू यू बीट मी, मतलब क्या इसका, कि तुम मुझे क्यों पीटते हो. वही मैंने कहा तुम मुझे क्यों डांटते हो, तो क्या बोलना है, व्हाई डू यू स्कोल्ड मी. अच्छा मैंने कहा तुम पेन से क्यों लिखते हो, तो मैं क्या कहती, अच्छा अगर वही मुझे बोले कि बच्चे पेन से क्यों लिखते हैं, तो मैं क्या कहती, व्हाई. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाता हमारा, चिल्ड्रन, तो आता why do children write with pen. क्लियर हो गया इतना, याद है, समझ में आ गया why. तो हमने कहा जब हम बोलेंगे ऐसे क्यों होते, तो आएगा why do you do that, have you got. अब देखिए मैंने कहा तुम लेट क्यों आते, तो why, तुम लेट क्यों आते, तो why do you come late. अगर वे लेट क्यों आते तो क्या आते यहाँ पे, why do they come late, राइट. अच्छा कैसे कहेंगे, सीमा खाना क्यों बनाती है, व्हाई डज सीमा कुक फूड. क्लियर हो गया इतना. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे बोलते ना तुम क्यों नहीं आते हो, तुम टाइम पे क्यों नहीं आते, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो.
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्यों, एक तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साथ हम नेगेटिव भी बोल रहे हैं, क्यों नहीं आते हो या फिर तुम जल्दी क्यों नहीं सोते हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं आप लोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुमने, तुम मुझे क्यों नहीं बुलाती हो या तुम मुझे पढ़ाती क्यों नहीं हो, तो पढ़ाती क्यों नहीं हो, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा जब भी क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन वर्ड आएगा जो कि यहाँ पे वाई है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज है। अब आपको क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट, अगर यहाँ पे नॉर्मल होता तो तुम जल्दी क्यों उठते हो, तो यहाँ पे होता है व्हाई डू यू वेक अप अर्ली, लेकिन मैंने कहा तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो, तो यहाँ पे नॉट नहीं के लिए क्या जाएगा, नॉट, और नॉट किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब देखो उसको वैसे दो तरीके से मेक करते हैं, एक तो क्या होता है, एक ये है व्हाई, एक हम जो हम ये राइटिंग के लिए होता है, राइटिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम व्हाई लिखते हैं, व्हाई डू यू। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, कहाँ पे, राइटिंग में, जब आप राइट करते कुछ भी, ऐसे हो गया कुछ भी, ठीक है। तो व्हाई डू यू नॉट कम ऑन टाइम, मैंने कहा भाई तुम टाइम पे क्यों नहीं आते हो, तुम्हें क्या पूछती, ये राइटिंग का, ठीक है, व्हाई डू यू नॉट कम ऑन टाइम। लेकिन स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, स्पीकिंग में हम डू के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट को लगा देते हैं, क्योंकि बोलने में इजी होता है, डू नॉट को हम डोंट कह सकते, तो आएगा व्हाई डोंट यू कम ऑन टाइम, राइट। अच्छा वही मुझे बोलने, भाई तुम्हारी बहन क्यों नहीं पढ़ाती है, तो आएगा व्हाई डजंट योर सिस्टर टीच। मैंने कहा तुम वर्कआउट क्यों नहीं करते, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, तो क्या आएगा, व्हाई डोंट यू वर्क आउट, क्लियर हो गया, हैव यू गॉट, कम इनसाइड, तो आएगा व्हाई डोंट यू वर्क आउट। वही मैंने कहा वे लेट क्यों आते हैं, तो क्या आएगा, व्हाई क्यों आते, तो व्हाई डू दे कम लेट। यहां तक समझ में आ गया, हैव यू गॉट। अच्छा कैसे कहेंगे, देखो व्हाई डोंट यू कम ऑन टाइम, मतलब क्या, तुम टाइम पे क्यों नहीं आते हो। दूसरा मैंने कहा Why don't you wake up early? इसका मतलब क्या है? भाई तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो? तो मैंने क्या पूछा? Why don't you wake up early? तुम अपना homework क्यों नहीं करते हो? Why don't you do your homework? क्या बोलना है? Why don't you do your homework? वही मुझे बोलना है तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? Why don't you study? ऐसा मम्मा बोलते हैं ना आपको कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ये सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, right? तो आएगा Why don't you wake up early? मैंने कहा तुम English क्यों नहीं बोलते हो? Why don't you speak English? अच्छा तुम Monday को क्यों नहीं आते हो? Why don't you come on Monday? वही अगर मुझे किसी singular subject की, जैसे मैंने कहा राम Monday को क्यों नहीं आता है, तो मैं क्या कहती? Why doesn't Ram come on Monday? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए ये हमारा था जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव साथ पूछते हैं। अब दूसरा हो गया कि मैंने कहा तुम क्यों नहीं आए, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, या फिर तुम लेट क्यों आए। अब यहाँ पे अभी तक तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, अब हम आ गए किस पे, पास्ट पे। और मैंने कहा जब आप पास्ट पे बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको यूज करना है डिड। क्या यूज करना है? डिड। देखो प्रेजेंट में डू, पास्ट में क्या होगा? डिड। तो अगर मुझे बोले तुमने क्यों नहीं किया, तो वहां पे मैं लगा दूंगी डिड। अब देखिए जैसे मैंने कहा तुम लेट क्यों आए, अब देखो मैंने आपको कहा ना आने पहुंचने के लिए हम रीच, अराइव, गेट, तीनों का यूज कर सकते हैं। तुम लेट क्यों आए, तो आएगा व्हाई डिड यू गेट लेट। क्या बोलना है? व्हाई डिड यू गेट लेट। यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। प्रेजेंट सिंपल में डू डस था, यहाँ पे आ जाएगा डिड। तो व्हाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम लेट क्यों आए, तो मैं क्या कहूंगी? व्हाई डिड यू गेट लेट। अच्छा वही मैंने कहा भाई तुमने पैसे क्यों चुराए, तो क्या आएगा? Why did you steal money? Right? अगर आपको बोले कि मैंने पैसे नहीं चुराए, तो आप क्या कहेंगे? I did not, या फिर I didn't steal money. Why did you tell lie? तुमने झूठ क्यों बोला? तो क्या है? Why did you tell a lie? ठीक है? मैंने कहा तुमने इतनी महंगी ड्रेस क्यों खरीदी? Why did you buy such expensive dress? क्लियर हो गया? Why did they beat you? उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा? तो क्या बोलना है? मैंने कहा राम क्यों चिल्लाया? तो मैं क्या कहती? Why did Ram shout? वही मैं कहती कि भाई राम तुम पे क्यों चिल्लाया? तो मैं क्या कहती? Why did Ram shout at
यू। क्लियर हो गया? तो आ जाता है व्हाई डिड राम शाउट एट यू। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन आगे समझ में? अब देखिए, अब मैंने कहा भाई, अगर मैं कहती अभी तक तो मैंने कहा तुम टाइम पे क्यों नहीं आए, क्यों तुम लेट क्यों आए। अब मैं कह रही तुम टाइम पे क्यों नहीं आए, तुम लेट क्यों उठे, है ना, तुम जल्दी क्यों नहीं उठे, मतलब यहाँ पे नहीं भी आ रहा है। वही सेम चीज करना है आपको, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, राइट। अब मैंने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मैं क्या बोलूंगी, व्हाई डिडंट यू टेल मी। अच्छा मैंने कहा तुम क्यों गए, तुम क्यों गए, नहीं तो यहाँ पे आई नहीं था ना, तो डिंट क्यों आएगा, व्हाई डिड यू गो। क्लियर हो गया? अच्छा अब मैंने कहा तुमने सच क्यों नहीं बोला, व्हाई डिड यू टेल ट्रुथ। ठीक है, तुमने सीमा के चश्मे क्यों तोड़े। देखो सबसे पहले व्हाई के लिए आएगा, क्यों के लिए आएगा, व्हाई, तो आएगा व्हाई डिड यू ब्रेक स्पेक्टिकल्स। क्या आएगा, व्हाई डिड यू ब्रेक स्पेक्टिकल्स, मतलब क्या हो जाएगा इसका, तुमने कम कम ऑन टाइम, स्टैंड देयर स्टैंड देयर स्टैंड देयर, व्हाई डिड यू ब्रेक स्पेक्टिकल्स, मतलब क्या इसका, तुमने चश्मे क्यों तोड़े, स्टैंड देयर डोंट सिट। तो आएगा व्हाई डिड यू ब्रेक स्पेक्टिकल्स, मतलब क्या इसका, तुमने शटर डोर डोर बंद कर दीजिए, शटर डोर। क्या आएगा, तुमने चश्मे क्यों तोड़े, तो बोलना है व्हाई डिड यू ब्रेक द स्पेक्टिकल्स, राइट। अच्छा कैसे कहेंगे, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, क्या आएगा, व्हाई डिडंट दे टेल यू, क्या बोलना है, उसी व्हाई डिडंट दे टेल यू, मतलब क्या इसका। देखो अब मैंने कहा ना यहाँ पे उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, नहीं आ रहा तो नहीं लिया आएगा नॉट, तो आएगा व्हाई डिडंट दे टेल यू। क्लियर हो गया? अच्छा व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, भाई तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो क्या आएगा, वही इसी को मुझे प्रेजेंट में बनाने कि तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो, तो मैं क्या बोलते हैं, व्हाई डोंट यू डू योर होमवर्क। ठीक है, अच्छा तुमने क्यों नहीं लिखा, व्हाई डिडंट यू राइट, तुम क्यों नहीं लिखते हो, Why don't you write? अच्छा मैंने कहा तुम सीमा को क्यों पीटते हो, तो क्या आएगा, Why do you beat सीमा? यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट? तो हमने कहा प्रेजेंट में आपको डू डस लगाना है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम क्यों नहीं करते वैसे काम, जो भी, तो क्यों नहीं नहीं भी आया तो वहां पे आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, राइट। पास में हमने कहा डिड का यूज होता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब अगर आप वहां पे नहीं भी आ रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, कैसे कहेंगे, तुमने मास्क क्यों उतारा, व्हाई डिड यू टेक ऑफ योर मास्क, तुमने मास्क क्यों पहना, व्हाई डिड यू पुट ऑन मास्क, मैंने कहा तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू इन्फॉर्म मी, क्या बोलना है, तुमने एसी बंद क्यों की, Why did you turn off the AC? अच्छा तुमने नल क्यों खोला? Why did you turn on the? देखो हमने कहा ना नल खोलने के लिए भी हम turn on का use करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे American faucet कहते हैं, British tap कहते हैं, ठीक है? तो आप दोनों का use कर सकते हैं, faucet भी कह सकते हैं, ठीक है? तो आएगा Why didn't you turn on faucet? मतलब क्या है? तुमने नल क्यों नहीं खोला? ठीक है? क्यों खोला? तो Why did you turn on faucet? Clear हो गया? मैंने कहा तुमने मेरी नोटबुक क्यों गिराई, तो क्या आएगा, व्हाई डिड यू ड्रॉप माय नोटबुक। ठीक है, अच्छा तुमने यहाँ पे कूड़ा क्यों फेंका, व्हाई डिड यू थ्रो द गार्बेज। क्लियर हुआ इतना, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, हैव यू गॉट, हैव यू गॉट, ओके। अब तीसरा आपका विल, मतलब फ्यूचर, कैसे कहेंगे, तुम क्यों नहीं आओगे, व्हाई, तुम क्यों आओगे, तुम क्यों नहीं आओगे, विल नॉट कम, ने कहा वांट कहते, तो आप कह सकते व्हाई वांट यू कम। ठीक है, अब देखो सेम चीज होगा यहाँ पे भी, वही होगा जैसे मैंने कहा फ्यूचर की बात है, तो आप यहाँ पे विल लगा देंगे, राइट। अब मैंने कहा तुम क्यों नहीं लिखोगे, तो क्या बोला है, क्यों नहीं लिखोगे, तो व्हाई विल नॉट को वांट, ठीक है, तो व्हाई वांट यू राइट।
तुम क्यों आओगी? Why will you come? मैंने कहा तुम मुझे क्यों पीटोगी? Why will you beat me? तुम मुझे क्यों डांटोगी? Why will you scold me? मैंने कहा तुम यहाँ क्यों नहीं क्यों आओगी? Why will you come here? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, फ्यूचर के लिए यहाँ पे will लगा देना है। जहाँ पे will है इसका मतलब क्या है, वो किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अब why will you go there, इसका मतलब क्या है, तुम वहां क्यों जाओगे? ठीक है, वही मुझे बोलना है भाई राम वहां क्यों जाएगा, तो मैं क्या कहती, why will राम go there? अच्छा सीमा वहां क्यों जाएगी? Right? Okay, why will she go there? इसका मतलब क्या है कि वह वहां क्यों जाएगी? Why will they go there? मतलब वे वहां क्यों जाएंगे? अच्छा कैसे कहेंगे, मम्मी मुझे क्यों डांटेगी? देखो क्यों कौन डांटेगा, मम्मी तो आएगा, why will हाँ mom scold me? मैंने कहा मम्मी मुझे क्यों पीटेगी, तो मैं क्या कहती, why will mother beat me? क्लियर हो गया? अच्छा कैसे कहेंगे, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करोगे? Why will not you, या फिर why won't you do your homework? ठीक है, तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम क्यों जाना चाहते हो? हर जगह विल लगा दो, तुम क्यों जाना चाहते हो? चाहते हो मतलब डिजायर, डिजायर मतलब वांट टू, व्हाई डू यू वांट टू गो, पढ़ा था वांट टू, तुम क्यों जाना चाहते हो, चाहते हो मतलब डिजायर पे आएगा, व्हाई डू यू वांट टू गो। अगर इसी को मुझे पास में बनाना है, वांट टू गो, मैंने कहा तुम क्यों जाना चाहते थे, तो क्या जाता, why did you want, क्लियर हो गया, why did you want to go, right? मैंने कहा तुम्हें सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है, पड़ता है मतलब have to, तो आप क्या कहते हैं, तुम्हें सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है, तो क्या आता आंसर, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका have to, तो आएगा why do you have to want to, याद है ना, why do you have to wake up early, clear हो गया, याद है, समझ में आ गया, कोई confusion? अब इसी का अगर मुझे क्या करना है, मतलब मुझे इसको context में make करना है, तो मैं क्या लगा दूंगी, इसे मार लगा दूंगी, जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों, तुम क्यों आ रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम चिल्ला क्यों रही हो, लाउडली बोल, क्या बोलना है, मैंने कहा तुम क्यों जा रही हो, तुम होमवर्क क्यों कर रही हो, तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रही हो, व्हाई आर यू नॉट, या फिर व्हाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क, ठीक है, मैंने कहा तुम शूज क्यों पहन रही हो, व्हाई आर यू पुटिंग ऑन शूज, आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है, मैंने कहा वो क्यों रो रही है, कोई लड़की है तो क्या आएगा, Why is she crying? क्या बोलना है? Why is she crying? क्या बोलना है? Clear हुआ इतना? यहाँ तक कोई confusion? अच्छा मैंने कहा तुम उसे क्यों डांट रही हो? तो क्या आ जाता? Why are you scolding her? क्या बोलना है? इतना clear हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? Very good. Where are you going? तुम कब जा रही हो? When are you going? तुम क्या खरीद रही हो? What are you buying? या फिर what are you purchasing? ठीक है? अच्छा मैंने कहा कौन चिल्ला रहा है? Who is shouting? कौन आ रहा है? कौन रो रहा है? कि तुम क्यों रो रही हो? तुम कब जा रही हो? When are you going? क्या बोलना है? तुम कितने बजे जा रही हो? At what time are you going? ठीक है? Clear हो गया? पढ़े ही सारे क्वेश्चन वर्ड, कुछ कुछ तो आंसर दे रहे, बाकी बस ऐसे बैठे हैं, कह रहे क्या चल रहा है ये, आलास के आउटसाइड, यहां तक क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन? कैसे कहेंगे तुमने शूज क्यों फेंके? व्हाई डिड यू थ्रो द शूज? देखो फेंके मतलब पास की बात है, क्यों के लिए व्हाई आ जाएगा, तो आएगा व्हाई डिड यू थ्रो द शूज? ठीक है, मैंने कहा उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा?
Why did she slap you? इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? Everything is clear? Have you got?